हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे रह रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे। और हाँ, यहाँ पर सब्जियाँ लाई थी इन्होंने सुबह सुबह ड्यूटी जाने से पहले ना, मुझे आज सब्जियाँ ला के दे दी, क्योंकि ये सुबह ही ड्यूटी चले जाते हैं, आप सभी को पता है, बहुत सुबह जाते हैं ड्यूटी, 7 बजे जाते हैं। तो उसके बाद ना जब आते हैं तो सारी शॉप बंद हो जाती है 3 बजे, तो इसी वजह से उनको ना सुबह ही लेके जाना पड़ता है सब्जियाँ वगैरह। तो वहाँ पर ड्यूटी पर रखते हैं, फिर उधर से आते हैं, फिर वो लेके आता है उस टाइम, तो वो ना थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है उस टाइम तक, मतलब रखे रखे कोई पत्ते वाली सब्जी नहीं ले सकते हैं। तो इसी वजह से आज ना इन्होंने मुझे पहले वो सब्जियाँ ला के दी, सुबह ही गए। और ना ये सब्जियाँ मंडी से नहीं ला के दी है, मतलब जो बेचने वाले होते हैं उनसे नहीं ला के दी है। यहाँ पर थोड़े से पास में एक खेत है, वहाँ पर वो लोग बेच रहे हैं, मतलब सब्जियाँ ताज़ी ताज़ी तोड़ के वहीं पर तोड़ के बेच रहे हैं, तो वहाँ से ये लाए थे सब्जियाँ। ये तो ये ना फ्रेश सब्जियाँ थी, मतलब तोड़ी हुई सब्जियाँ थी उनके सामने, और उनके सामने ही उन्होंने नाप के दे दी थी उन्हें, तो ये सब्जियाँ उनके सामने ही तोड़ी गई थी। तो इसी वजह से ना इतना डर नहीं था इसका, बट फिर भी जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो मैं ले रही थी यहाँ पे। ये कहीं से भी लाई गई हो, मतलब हमें जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो लेने ही होते हैं, तो अब हम उसे टाल नहीं सकते। तो इस यहाँ पर मैंने क्या किया था, गर्म पानी लिया था, गर्म पानी में ये सारी सब्जियाँ डुबो के रख दी थी, मतलब एकदम ज़्यादा खौलता हुआ पानी भी ही, तो थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें ये सब्जियां मैंने पहले ही डुबो के रख दी थी, मतलब 15 मिनट 20 मिनट हो गए होंगे इस सब्जी को डुबोए हुए। और उसमें ना गर्म पानी ने मैंने डाला था वो पहले सोडा डाला था, उसमें नींबू डाला था और नमक डाला था और थोड़ी सी हल्दी डाली थी, तो इसी वजह से वो पीला पीला दिख रहा है। तो उसके बाद मैंने वो डुबो के रख दिया था 10 मिनट के लिए, और उसके बाद वो 10 मिनट के बाद मैंने सादे पानी से वॉश करके निकाल लिया है। और उसके बाद यहाँ पर एक कपड़ा डाल के मैं सुखाने के लिए लाई हूँ, मतलब डाइनिंग पे। तो यहाँ पर एक मैंने एक चुन्नी ले ली है अपनी साफ़ सुथरी, और उस पर ही मैं ये सुखाने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि ये पत्ते वाली सब्जियाँ है और जल्दी ख़राब हो जाएगी। आप लोगों को पता है पत्ते वाली सब्जियाँ धो के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, धो के रखने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, और धनिया पत्ता तो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से ये फिर भी क्या कर सकते हैं, धो के तो रखना ही पड़ेगा, एक दिन भी, मतलब एक दिन अगर चल जाए तो वो भी बहुत है। तो पत्ते वाली सब्जी एक तो लाओ मत, और अगर लाते हो तो एक दिन में खा लो, मतलब जिस दिन लाना है उसी दिन आप ऐसे करो, वॉश कर लो और उसके बाद उसे उसी टाइम बनाओ, या अगर सुबह लाई है तो शाम को बना लो, सुबह बना लो, ऐसे करके बना लो, बट उसी दिन बना लो। ये मैंने आपके साथ शेयर क्यों किया है, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप सब्जियाँ कैसे रखते हो स्टोर करके या वॉश करके, कैसे अभी रख रहे हो इस पीरियड में, मतलब कोरोना के पीरियड में। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। एक्चुअली क्या हो रहा था कि ये जब भी सब्जियाँ ला रहे थे तो कभी टोमेटो ला दिए, कभी भिंडी ला दिए, ऐसे एक एक करके ला रहे थे, तो इसी वजह से इतनी सारी सब्जियाँ कभी लाते ही नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो आज सारी पत्ती वाली सब्जियाँ भी लाई है, सारी सब्जियाँ लाई है, तो आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ कि कैसे मैं इसे सैनिटाइज करके रखती हूँ। हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे होंगे शाम के 7, और आजकल ना यहाँ पर टहलना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब आके गैलरी में थोड़ा सा टहल लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग आजकल अपने अपने गैलरी में या अपने अपने टेरेस पे आ रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, तो गैलरी में या टेरेस पे आते हैं और कॉलोनी का नज़ारा देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई लोग अपने अपने घर के सामने या अपने घर के अंदर वो खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, तो अपने अपने घर वालों के साथ, दूसरों के साथ नहीं, तो वो अच्छा लगता है। कोई टेरिस पे आके बैडमिंटन खेलता है तो बहुत अच्छा लगता है यार, यहाँ पर देखने से मतलब नज़ारा अच्छा लगता है कॉलोनी का, सभी लोग अपने अपने घर पे ही रहते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है, कंपाउंड के अंदर जैसे कोई कैदी है, मतलब कंपाउंड के अंदर से ही, गेट झांकना भी होना तो गेट के ऊपर से झांकते हैं ऐसे, तो अजीब अजीब सा भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि नहीं अभी समझ में आ रहा है लोगों को। पहले पहले ना लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लेते थे कोरोना को, अभी ना खुद लोग सीरियस हो रहे हैं, अभी पुलिस वालों की ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा वो हो गई है, मतलब वो बोल रहा है कि पहले पहले लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता था बाहर मत निकलो ये वो, बट अभी खुद समझ में आ रहा है लोगों को, खुद सैनिटाइज कर रहे हैं लोग या खुद बाहर नहीं निकल रहे, मास्क लगा रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है अभी लोगों को, नहीं तो पहले दिमाग मारी करनी पड़ती थी, पहले बहुत समझाना पड़ता था लोगों को कि घर के अंदर रहो, घर में रहो, तो अभी लोगों को भी आदत हो गई है ना, इतने दिनों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर के अंदर ही अंदर है, तो अभी ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा ना तो लोग घर के अंदर ही रहेंगे मुझे ऐसा लगता है, मतलब बाहर निकलेंगे ही नहीं,
मतलब आजकल हैंड वॉश तो इतने कर रहे हैं, मेरा भाई कल बोल रहा था कि हाथों की जो लकीरें है वो भी नहीं दिख रही है, बोल दे अभी इसके बाद ना कोरोना के बाद तो ब्राह्मण को जाके बोलना पड़ेगा, बोल दे कि आप अपने हिसाब से अच्छी वाली लकीर लगा के दो, इसकी वजह से कम नसीब तो बदलेगा, बोल दे। तो कल वो भी जोक मार रहा था, कॉल किया था तो उसने। ऐसे ही हो रहा है आजकल, और अच्छा लगता है इस टाइम टेरिस पर टहलना। और हाँ, पुलिस वालों की यहाँ पर देखिए अभी नीचे पुलिस वाले पूरे कॉलोनी में घूम रहे हैं, एक एक कॉल में जाके कोई बाहर दिखता है क्या। अभी गाड़ी पर टू व्हीलर पर दो पुलिस गए यहाँ से, तो हमारे कॉलोनी में तो आते ही है क्योंकि ये ना थोड़ा सा एरिया जो है ना वो ये है थोड़ा सा खुला खुला सा है ना, तो यहाँ पर कोई भी बीच में ग्राउंड है तो खेलता है, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत चक्कर मारते हैं पुलिस लोग। इस टाइम में सब लोग बाहर निकलते हैं ना, तो इस टाइम में आते सब लोग मतलब टहलने के लिए वगैरह निकलते हैं ना इस टाइम तो चक्कर वो पक्का मारते ही है, एक चक्कर तो मारते ही है क्योंकि घर के बाहर मतलब कोई दिखे ना, इसी वजह से तो अभी सबको पता ही चल गया है। ये दो पुलिस तो हमेशा आते ही है यहाँ पर मतलब यहाँ से चक्कर मारने के लिए कि कोई दिखता है क्या। और स्ट्रीट लाइट भी जल गई है, अब 7 बजे स्ट्रीट लाइट जल जाती है यहाँ की। तो चलिए फिर आज कुछ बनाने का सोच रही हूँ, क्या बनाऊँ इवनिंग स्नैक्स में तो पूछना पड़ेगा। आज पालक भी लाया है इन्होंने, तो सुबह ना मैंने सब्जियाँ पूरी वॉश करके रखी थी तो अच्छे से अभी वो सूख भी गई है, तो मुझे लगता है कि आज पालक के पकोड़े बनाए जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको पूछती हूँ पहले, क्योंकि कैसा होता है कि सभी का सोचना पड़ता है, पालक के पकोड़े को तो कोई मना नहीं करेगा। आज वो पालक अगर मैं यूज़ नहीं करूँगी ना तो कल मुझे दाल पालक बनाना पड़ेगा, या तो पालक का कुछ ना कुछ अभी बनाना पड़ेगा। रात को तो दाल पालक कोई खाता नहीं है, तो कल तक मुझे लगता है कि वो जो पालक है मैंने वॉश करके रखा है ख़राब ना हो जाए, तो इसी वजह से अभी मैं वही सोच रही हूँ कि उसके पकोड़े बनाए जाए शाम के स्नैक्स में टी के साथ, अभी वही पकोड़े बनाऊंगी। तो चलिए मैं नीचे जाके पूछती हूँ इनको कि पकोड़े खाने का मन है क्या। पकोड़े तो कोई मना नहीं करता वैसे, घर पे तो सभी के फेवरेट है पकोड़े, बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं तो कोई पकोड़ों के लिए मना नहीं करेगा, बट फिर भी एक बार पूछना पड़ेगा। चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए सब्जियाँ जो वॉश करके रखी थी सुबह वो भी सूख गई है, अभी धनिया पत्ता तोड़ के रखना पड़ेगा मुझे क्योंकि पालक तो अभी यूज़ होगा। और यहाँ पर है भिंडी वगैरह सारी चीज़ें, ये टोमेटो वगैरह ये, और ये सारी चीज़ें रख देती हूँ फ्रिज में, और ये वाली चीज़ें यूज़ करती हूँ, मतलब पालक यूज़ होगा अभी, धनिया पत्ता तोड़ के रख देना पड़ेगा। पकौड़े खाओगे क्या? हाँ पालक के बना रही हूँ, और माही नहीं। हाँ आप अभी आप नहाने जाओ पहले, बहुत थके थके से दिख रहे हो। तो अद्विक अद्विक को रेडी कर रही है माही, अद्विक ने और माही ने नहा लिया अभी शाम का। अरे वाह अद्विक, अरे इधर देखो पिल्लू, सुंदर लग रहा है अद्विक तो। अरे बाप रे हेयर स्टाइल, ओह ओ ओ टप्पू, अच्छा वो बराबर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख देख के कॉलर ठीक करो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख देख के वो टप्पू का सीख गया है ना। अद्वि अच्छा ओ ले बाप रे, चलो पकौड़े खाओगे ना सब? हाँ। पालक के बना रही हूँ, हाय कर दो, हाय कर दो माही। तो चलिए फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, और हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो सबकी फेवरेट जगह तो किचन ही होगी, ज़्यादातर टाइम वो किचन में ही स्पेंड करती है। एक लेडीज़ के लिए ज़्यादातर टाइम उसका किचन में ही जाता है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, तो मैं बनाने वाली हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर पकौड़े, तो पालक और प्याज के पकौड़े बनने वाले हैं आज। और यहाँ पर बेसन ना मैं इसलिए छान रही हूँ क्योंकि ये बेसन काफ़ी दिन पहले लाया था, मतलब आपको पता होगा जब डीमार्ट गई थी 1.5 महीना तो हो ही गया होगा, इसी वजह से मैं छान ले रही हूँ उसे, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ हो गया हो तो कीड़े वगैरह, तो इसी वजह से मैं छान ले रही हूँ, बट कुछ नहीं हुआ था उसमें, कुछ भी अच्छा था बेसन, बहुत अच्छा था, बट ना वो उसमें थोड़े से गोले गोले से होते नहीं है वो हो गए थे, बट कुछ भी नहीं था, मतलब अच्छा ही था बेसन, बट मैं फिर भी छान ले रही हूँ।
ताकि मेरे लिए मतलब मुझे अच्छा लगे, तो इसीलिए मैं ऐसे छान के ले लेती हूँ हमेशा। क्योंकि मुझे ना पहले लगता था कि पैकेट की जो चीज़ें होती है वो अच्छी होती है, मतलब उसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मैं पहले वैसे ही सोचती थी, तो मैं इतना कुछ टेंशन नहीं लेती थी। बट एक बार ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जो पैकेट का मैदा लाया था उसमें भी मैंने छाना था वो, तो उसमें भी ना वो जो बोरी नहीं होती है उसके जो मतलब वो होते टुकड़े होते हैं तो वो निकल गए थे, तो इसी वजह से मुझे बहुत डर लगता है उस टाइम से, तो मैं सारी चीज़ें ना छान के ही लेती हूँ उस टाइम से। तो इसी वो ना दिमाग में फिट हो गया है अभी कि कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो उसे छान ना है पहले, तो ऐसा करती हूँ। और फिर ना ये सही भी रहता है छानना, मतलब अपने लिए ये ठीक रहता है, अपने लिए सेफ्टी के लिए। अपने यहाँ पर इन्होंने ना मुझे ये प्याज और पालक काट के दिया था, और ये प्याज ना आपको पतला पतला लंबा लंबा काटना है, और इसे ना अच्छे से ऐसे जैसे मैंने किया है वैसे हाथों से खुला कर लेना है ताकि वो ऐसे अलग अलग दिखे। और उसके बाद पालक मिक्स कर लेना है, और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद उसमें ना पानी थोड़ा सा डाल के अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है, मतलब बेसन के साथ। पहले ना ये घोल बना के हमें रख देना है थोड़ी देर के लिए, रेस्ट होने देना है। इससे क्या होता है कि आपके जो पकोड़े बनाते हो आप बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, और अगर आप जो इंस्टेंट घोल नहीं बनाते हो उससे इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं बनते हैं। तो ऐसे किया करो, थोड़ा सा थोड़ी देर ना रेस्ट करने दिया करो उसे, 5-10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करने देना होता है, 5-10 मिनट के लिए अगर रेस्ट करने देते हो ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं पकोड़े। मैं आगे बता ही दूंगी आपको कि क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए क्या क्या करना होता है आपको। तो इस तरह से मैं थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ही पानी इसलिए मैंने ऐड करने के लिए बोला है क्योंकि ना प्याज जो है वो पानी छोड़ने लगता है, तो इसी वजह से वो ना बहुत गीला हो जाता है फिर बैटर। तो इसीलिए ना मैंने थोड़ा सा ही पानी मिक्स किया है पहले, मतलब आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा आपको वो पतला पतला नहीं दिख रहा है। और उसमें ना अजवाइन डाला है मैंने, उसके बाद मैंने उसमें नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए रख दिया है। तब तक मैं इधर कढ़ाई वगैरह रखूँगी, तेल गरम करूँगी, तो उस टाइम तक हो ही जाता है, 5-10 मिनट तो हो ही जाते हैं, तब तक वो रेस्ट होता है और फिर टेस्ट भी अच्छी आती है। यहाँ पर ऑयल भी ख़त्म हो गया था ऑयल के कंटेनर में से, तो फिर इनको बोला मैंने ऑयल निकालने के लिए, तो इन्होंने मुझे ऑयल भी निकाल के दे दिया था। और फिर गैस पे तेल चढ़ा दिया है, उसके बाद यहाँ पर पेपर लगा रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ये एब्जॉर्ब कर सके। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ये टिश्यूज़ वगैरह लगाती रहती हूँ, क्योंकि टिश्यू लगाने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो अपने पेट में ही जाता है, वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, यहाँ पर फिर बैटर हो गया था रेडी हमारा। अब बताती हूँ मैं आपको कि आपके पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनेंगे। तो इसमें मैंने तेल ऐड किया है, खौलता हुआ गरम तेल ऐड किया है, और उसके बाद मैंने बाद में सोडा ऐड किया है, हमारा जो खाने का सोडा होता है तो वो मीठा सोडा ऐड किया है उसमें, और सबसे लास्ट में आपको सोडा ऐड करना है, नहीं तो आप अगर पहले ही सोडा ऐड कर दोगे उसका काम नहीं करेगा वो, और अच्छे से आपके जो पकोड़े हैं बनेंगे नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और ये तेल ना थोड़ा सा गर्म हो गया था जब तक मैं ये प्रोसीजर कर रही थी, ये सारी चीज़ें कर रही थी, तब तक ना तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसी वजह से जो पहले मैंने पकोड़े डाले थे इसी वजह से मैंने ना कम डाले पकोड़े, ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो, तो इसीलिए ये मुझे ना जल्दी निकालने पड़े थे, ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बने थे। एक्चुअली पकोड़ों को ना टाइम देना पड़ता है फ्राई करने के लिए, पहले ना थोड़े से गरम तेल में डालना पड़ता है, और फिर उसके बाद जो फ्लेम है वो लो कर देना पड़ता है, उसके बाद वो लो फ्लेम पे ही उसे पकने देना होता है, मतलब फ्राई होने देना होता है, तो इसी वजह से वो क्रिस्पी बनता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे आपके जो पकोड़े हैं वो, अगर आप थोड़े से लो टू मीडियम फ्लेम पे उसे फ्राई करोगे तो ज़्यादा देर फ्राई करने के लिए देना पड़ता है उसे, तभी जाके आपके जो पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। मुझे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर मेरे घर पे कोई पकोड़े खाता है ना तो वो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पकोड़े कैसे बनाती हो, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं आपके हाथ के पकोड़े। तो कोई ये नहीं है डियर उसके लिए, तो मतलब कोई ट्रिक नहीं है, बस यही ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ फ्राई करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है उसे, थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे उसे फ्राई करने पड़ते हैं तब जाके वो क्रिस्पी बनते हैं। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं, तो इसी वजह से वो ना बहुत ज़्यादा नरम निकलते हैं, बहुत ज़्यादा नरम आते हैं, तो इसी वजह से ना उनके जो पकौड़े हैं क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर अद्विक को दे रही हूँ मैं पकोड़े, क्योंकि उसे भूख लगी थी बहुत ज़्यादा और वो मांग रहा था कब से, तो मैंने सोचा चलो उसको दे देती हूँ पहले, बाद में हम लोग खाते रहेंगे, तो वो खा रहा था। तो यहाँ पर बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बैट के शेप का होता है, जो क्या बोलते हैं कुरकुरे, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से ये फ्राई करके दे देती हूँ उन्हें।
और यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अदरक की चाय। एक्चुअली अदरक की चाय और पकौड़े मज़ा आ जाता है खाने के लिए, तो बारिश के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी चीज़ों को खाने में। और बट ऐसे भी इस टाइम में तो होता ही है कि शाम को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो पकौड़े और चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए खाने के लिए। रेडी हो गए हमारे पकौड़े और सारी चीज़ें, बस प्लेट में सर्व कर लूँगी। और आप भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। तो यहाँ पर बस चाय छान लूँगी, और किस किस को पसंद है चाय और पकौड़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूर बताना मुझे। बहुत लोगों को ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, चाय और पकौड़े, मतलब साथ साथ जैसे एक पकौड़ा खाया और चाय का घूट लिया, बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें। मतलब होता है, मेरा तो हमेशा ही कही है कि मैं नाश्ते के साथ चाय पीती हूँ। बहुत से लोगों को आदत है ऐसे, और बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद चाय पियेंगे, जैसे उनमें मेरे हस्बैंड भी आते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड वैसे सोचते हैं कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद चाय पी लेंगे, तो मेरा नहीं होता है, मेरा तो सिर्फ उसके साथ ही होता है सारा कुछ। लो गर्मा गर्म पकौड़े कैसे हैं? टेस्टी एकदम, एकदम। बढ़िया, सच में सही में एकदम क्रिस्पी लग रहे हो, अच्छा लग रहा है टेस्ट करने में। भाई एक बार चेक करो। आओ बेटा, मैंने वैसे टेस्ट कर लिया है, अद्विक ने भी टेस्ट कर लिया है। श्रीकांत टेस्ट करके बता, कैसे बना? बहुत बढ़िया बनाया। बहुत बढ़िया, अरे वाह, अद्विक ने बोल दिया बस हो गया फिर। मम्मा को बोला थैंक यू। ये अद्विक की प्लेट पहले से ही छोटी वाली। इतना कोरोना में कितना ध्यान रखते है अपना, ये खाने के लिए ये देखो स्टेटस रखने के लिए, ये स्टेटस रखने के लिए चल रहा है, बस इससे कुछ लेना देना नहीं रहता है, खाने से लेना देना नहीं रहता, इसी वजह से इसकी बॉडी ऐसी है, खाने से लेना देना नहीं रहता है इसको, इसे बस स्टेटस रखे और हो गया। स्टेटस महाराज, लॉकडाउन मध्ये कंटिन्यू, मतलब म्हणजे नवीन नवीन जे आपल्याला डिश एकदम जबरदस्त आहेत। अरे अद्विक, अद्विक मामा त्रास देते का तुला? पहिले इकडे चलो खा लो। काय करते मामा? चालू बघ भाई, खरंच काय एकदम चलो दो बार थँक यू। वैसे फैमिली के साथ सब मिलके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और ये दिन ना मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, ये दिन हमेशा याद रहेंगे मुझे, कभी नहीं भूल पाऊँगी ये दिन मैं, क्योंकि कोरोना का तो है, मतलब कोरोना की वजह से सारे फैमिली मेम्बर कम से कम एक साथ तो आ रहे हैं, घर पे रह रहे हैं एक साथ, मतलब उनको टाइम मिल रहा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, घर वालों के लिए टाइम मिल रहा है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल रहा है, और हर कोई बिजी है आजकल, कोई भी खाली नहीं है, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना पड़ता है, मतलब मिलता नहीं है टाइम, ऐसे निकालना पड़ता है सबको, तो आजकल सभी लोग बिजी है अपने अपने लाइफ में। दूसरों का क्या बताऊँ, मैं अपने घर का ही बताती हूँ, मेरे भाई का ही देखो, मेरे भाई की शादी जब से हुई है तब से, मतलब 2 साल हुए हैं तब से वो पुणे में रहता है, आप लोगों को पता है, मैंने बताया था आपको बहुत बार, तो एक्चुअली जब से उसकी शादी हुई है तब से वो वहाँ पर गया है, तो 2-3 दिन के लिए आते हैं, बहुत कम आते हैं वो, और टाइम भी नहीं मिलता है जॉब की वजह से उसके, तो इसीलिए ना वो बहुत कम आता है और बिल्कुल मिल नहीं पाता है किसी, सबसे मिलने के लिए ना वो भी तरसता था, मतलब उसकी जॉब की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था उसे, और छुट्टियाँ बहुत कम मिलती थी उसे, तो इसी वजह से ना वो टाइम नहीं दे पाता था घर वालों को, मतलब घर पर नहीं आता था, और घर पर आया भी तो 2-3 दिन के लिए आता था, और उसको भी ऐसे तरसता था वो सबसे मिलने के लिए। अभी आपको सभी को पता है कि पुणे में कितने ज़्यादा केसेस है इसके कोरोना के, तो तब से जब से ये पता चला है, मतलब कोरोना का हुआ है तब से वो घर पे आया है, वो शादी के बाद, मतलब वो पहली बार इतने दिन घर पे रहा है, उसकी वाइफ घर पे रह रही है, तो सबको अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, सबके साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को, डेली कॉल करते हैं, बताते हैं घर का हाल सभी, मतलब अच्छा लगता है ऐसे सुन के कि चलो यार आजकल उनको टाइम मिल रहा है, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी सी बन रही है उनकी, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के। कुछ ना कुछ नई नई डिशेज बना रहे हैं, मुझे सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे,
तो अच्छा लगता है कि आज क्या बनाया, आज कौन सी नई डिश बनाई, तो पता भी चलता है। और उनको तो मेरे ब्लॉग से पता चल जाता है, मतलब वो नहीं होता है कि उन्हें कुछ स्पेशल अलग से मैं बताऊँ, बट जो भी बनाते हैं तो मुझे सेंड करते हैं कि आज ये नया बनाया दीदी, वो बनाया, तो अच्छा लगता है कि चलो यार ये सब मिल के बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो टाइम स्पेंड हो रहा है सबके साथ उनका अच्छे से। और यहाँ पर सब्जियाँ जो थी मैंने धो के रखी थी, जो वॉश करके रखी थी यहाँ पर, तो वो भी सूख गई थी, तो इसी वजह से ये मुझे हेल्प कर रहे थे फ्रिज में रखने के लिए, तो इन्होंने और मैंने वो फ्रिज में रख दी सारी सब्जियाँ। और बस क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, जो मेरी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग होती है वो, तो बस इसी से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा किचन का और हो जाऊंगी मैं किचन के कामों से फ्री। तो गैस डिनर का टेंशन खत्म हो गया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अभी किसी को खाना नहीं है खाना, मतलब मैंने सोचा था पहले कि खिचड़ी वगैरह बना दूंगी, सिंपल वाली जो सादी खिचड़ी होती है वो बना दूंगी, बट ये बोल रहा है किसी को खाना नहीं खाना है, और उसमें से पकोड़े भी बचे हैं, तो भूख लगी अगर तो पकोड़े वो खा लेंगे थोड़े से, क्योंकि पकोड़े मैंने बहुत ज़्यादा बना दी थी यार, इतने बचे हैं। तो बोल रहे थे कि किसी को अभी भूख नहीं है, अगर भूख लग भी जाती है तो ये है खाने के लिए, कुछ भी बनाना मतलब, तो इसी वजह से अभी मैं बनाने वाली नहीं हूँ कुछ भी। तो रात का टेंशन तो ख़त्म, अभी कुछ भी नहीं बनाना है, एक्चुअली टेंशन नहीं रहता है, बट होता है कि चलो अभी डिनर बनाना है, ये है वो, उसकी तैयारी करो, उसमें लग जाओ, तो वो होता ही है, तो वो अभी ख़त्म हो गया है टेंशन। और मैं सिर्फ आज वही बनाने वाली थी, मैंने सोचा यही बहुत ज़्यादा हीवी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं लाइट से खिचड़ी बनाने वाली थी। इन्होंने पहले ही बोला था मुझे, जैसे ही मैंने इनको बोला था ना कि मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ, तो इन्होंने पहले ही बोला था मुझे कि अगर पकोड़े बनाओगे तो डिनर में थोड़ा सा लाइट बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीवी हो जाता है, वो ऑयली ऑयली चीज़ें हो रही है सारी, और फिर वर्कआउट कम हो रहा है, इनको भी बहुत ज़्यादा आदत है वर्कआउट की, मतलब ये तो ड्यूटी से आने के बाद भी वर्कआउट करते हैं और ऊपर जाते हैं, उनके डंबल्स वगैरह रहते हैं, तो उनके वर्कआउट का तो वो नहीं है, वो कभी भी वर्कआउट करते हैं, या तो सुबह सुबह इतने सुबह वर्कआउट करने के लिए ऊपर जाते हैं, वर्कआउट करके ही ड्यूटी जाता है, शाम को अगर सुबह नहीं हुआ, कभी कभी होता है बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ता है उन्हें, कभी कभी बहुत जल्दबाजी होती है, तो शाम को आके वर्कआउट करते हैं, बट वर्कआउट का उनका रेगुलर है वर्कआउट में, मेरा तो भी ऐसा होता है कि जान लो आज आलस आ गया तो चलिए आज के दिन नहीं करते हैं, मतलब मेरा होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते ना वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब सबकी यही हालत होती होगी हाउसवाइफ की, मेरी ही नहीं है, सबकी यही हालत है। और मेरा तो दुगना टेंशन है, मतलब वीडियो का भी और उसकी एडिटिंग, और वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपको बता भी नहीं सकती यूट्यूबर का क्या है। और बस यही है, आज अभी नहीं बनाना है कुछ भी, और चलिए फिर ब्लॉग को एंड करती हूँ, नाम लेने का टाइम आ गया है, जो आपके फेवरेट होता है, मतलब नाम ले लेती हूँ अभी, जिनके जिनके नाम लेने हैं मुझे, आज काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने सोचा चलो आज उनका नाम ले लेती हूँ। तो जिन जिन का नाम नहीं आएगा डियर, प्लीज़ सॉरी उसके लिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं डेली दो ही नाम ले सकती हूँ, तो इसी वजह से मैं आज भी दो ही नाम लूँगी। और आपका अगर नाम नहीं आया है इस ब्लॉग में, तो प्लीज़ इस ब्लॉग पे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में नाम लेने की कोशिश करूँगी। तो आज का फर्स्ट नाम है सलीना सैयद, और सेकेंड नाम है ज्योति देवी ने उनके मम्मी पापा का नाम लेने के लिए रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी दिनों से वो रिक्वेस्ट किए जा रही है उनके मम्मी पापा का नाम लेने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज फाइनली उनके मम्मी पापा का नाम ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझसे दूसरा तो कुछ हो नहीं पाएगा उनके लिए, तो मैं इतना कर सकती हूँ। तो उनके पापा का नाम है श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, और उनकी मम्मी का नाम है बिगन देवी। तो नमस्ते अंकल आंटी, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।